हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। हेलमेट पहनना अनिवार्य करने का फरमान जारी करने के बाद यातायात पुलिस के सुस्त रवैये के कारण लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। दुपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के फर्राटे भरते आसानी से नजर आ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने बैठक लेकर यातायात प्रभारी को हेलमेट अनिवार्य करने का आदेश दिया था, जिसमें सोमवार से दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाना अनिवार्य था, मगर ट्रैफिक पुलिस अपने इस फरमान को अनदेखा कर अपनी वसूली अभियान में जुटी हुई है, जिस वजह से लोगों पर एसपी के फरमान का कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है और लोग बड़े आराम से बिना हेलमेट के बाइक में फर्राटे मारते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस एक्सीडेंट में सिर में चोट लगने से होने वाली मौत का हवाला देकर हेलमेट लगाने का सीख तो दे रही है, मगर जमीनी स्तर पर कुछ करते नजर नहीं आ रही है। सिर एक वाइटल पार्ट है, उसमें जैसे ही चोट लगती है व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें से इसको संज्ञान में लिया था और लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है और सभी हम भी जो भी सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि उसके जो भी जितने भी वहाँ का बल है वो हमेशा मोटरसाइकिल में हेलमेट लगा कर चले और जो भी इसका पालन नहीं किया जाएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हेलमेट लगाने से कई फायदे तो हैं, जिसे लेकर लोगों में जागरूकता की जरूरत है। वहीं पुलिस को अपनी वसूली अभियान भूलकर हेलमेट लगाने की अभियान से जुड़ने की जरूरत है। कैमरामैन पुष्प रंजन कश्यप के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज, बिलासपुर।